चलिए तो हमारे आप लोगों को धातु अधातु का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है धातुओं के रासायनिक गुण की बात करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और धातुओं और धातुओं की तुलना। देखिए भौतिक गुणों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ अगर हम बात कर लें तो हमने देखा था कि धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। दूसरा हमने देखा था धातुओं और धातुओं की तुलना में कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, उनकी सतह क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए तो उनमें एक विशेष प्रकार की चमक हो जाती है उत्पन्न, जबकि आपकी अधातुएं क्या होती हैं, उनमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, अपवाद को के रूप में क्या हीरा और ग्रेफाइट वगैरह को छोड़ के। तीसरा हमने देखा था कठोरता के बारे में, तो जो धातुएं होती हैं सामान्यतः जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, कोमल होती हैं हीरे को छोड़कर। ऐसे ही हमने देखा था एक और टॉपिक आघात वर्धनीयता। मैंने कहा था ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात का मतलब चोट पहुंचाने पर और वर्धनीयता का मतलब फैलना, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ पर आघात या चोट पहुंचाकर या पीट कर सीट बनाते हैं, किसी धातु को पीट कर सीट बनाने की जो क्षमता होती है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब जिन पर फोर्स अप्लाई करने पर ये आसानी से टूट जाती हैं। अगला हमने टॉपिक देखा था कल कि विद्युत सुचालक व उष्मा के सुचालक कौन होते हैं, धातुएं या अधातुएं। तो हमने देखा कि धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि आपकी अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला एक हमने और देखा था तन्यता। तन्यता मतलब फोर्स लगाकर किसी चीज़ को खींचकर तार बनाने की क्षमता। तो तार बनाने की क्षमता किसमें होगी, इसमें नहीं, जो आपकी धातुएं होती हैं, धातुओं को खींचा जाता है तो वो लंबे लंबे तार में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोगों को देखना है धातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, उसके बाद अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुण में, जैसे धातुओं के रासायनिक गुण का मतलब क्या है कि किसी अन्य तत्व या किसी अन्य पदार्थ के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे नेचर शो करते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो धातुओं की अभिक्रिया सबसे पहले हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, कि धातुएं एयर या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं। तो धातुओं की अभिक्रिया एक मिनट, धातुएं किसके साथ, ऑक्सीजन या एयर वायु, वायु से क्रिया करके क्या बनाती है। कोई भी धातु है, मेटल है, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात। तो कोई भी धातु होगी वो ऑक्सीजन या वायु से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हमने कहा सोडियम, जब भी आप सोडियम की क्रिया किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, क्या बनेगा, Na2O, ठीक है। क्या बनेगा, Na2O। समीकरण तो संतुलित हो ही जाएगा, वो कर लोगे बाद में आप लोग, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें पोटेशियम, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Mg। तो जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं, धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी समझते चलिए कि जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अगर मैं बात करूँ धातु ऑक्साइड की,
तो जितने भी धातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। मैंने बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अधातुओं के ऑक्साइड की बात करूं, किसकी? अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड की बात की जाए तो मैंने बोला था कि अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, चाहे वो हो गया CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं अपवाद के रूप में। अपवाद में अगर हम बात करें, जैसे जिंक का ऑक्साइड ZnO2, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, लेड का ऑक्साइड PbO, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड? धातु है ना। जिंक क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। लेड क्या है? धातु है। लेकिन इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? इनके ऑक्साइड्स आपके उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी। अब उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये अम्लीय नेचर शो करेंगे किसके साथ? बेस के साथ, क्षार के साथ। और क्षारीय नेचर शो करेंगे किसके साथ? जब अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग अगर बात करें अधातुओं के ऑक्साइड की, तो अधातुओं के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जैसे उदासीन अधातु के उदासीन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और एक H2 हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। इसका ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब उदासीन ऑक्साइड है। किसके? अधातुओं के। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अपवाद के रूप में कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो आपके उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी जो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें कैसे होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं और ये कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, किसकी? सोडियम हाइड्रोऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए? चलो जिंक के साथ करा लेते हैं, ZnO। अब सोचो, अगर ये ऑक्साइड, ये क्या है? ये क्षार है। ये क्या है? OH है ना, तो ये क्या है? क्षार है। अगर मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं और मैं कहूं कि जिंक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा तो इसके साथ रिएक्शन देगा और क्या बनाएगा? तो लवण और जल दो चीज़ें बनाएगा ना। जब भी बेस और एसिड आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अगर मैं कहूँ तो आपने देखा था कि सोडियम हाइड्रोऑक्साइड किसके साथ? ZN ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। सोडियम आपका किसके साथ? सोडियम ऑक्साइड NO2 क्या बना लेगा? ZnO2 बना लेगा, ठीक है। ZnO2, ठीक है, NaZnO2 और क्या बचा?
H2O। कैसे? तो सोडियम आपका जिंक ऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है, देखा था आपने। और हाइड्रोऑक्साइड एक ऑक्सीजन के साथ आपके मिलकर क्या करता है, वाटर का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं, सोडियम का जिंकेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जिंकेट क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। दूसरा, अगर मैं इसी जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दूँ, इसी जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूँ, किसी एसिड के साथ करा दूँ, तो क्या बनेगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2 और क्या बनेगा, H2। तो देखा जाए जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्षार के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब आप सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ कराओगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और जब HCl के साथ कराओगे तो AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही लेड की बात कर लो तो ये सभी क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं। सारे के सारे ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते, कुछ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के। कुछ धातु के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड, जब भी आपकी धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, अगर धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, जल के साथ कराई जाए, तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हाइड्रोऑक्साइड। क्या बनाते हैं, हाइड्रोऑक्साइड। धातु के हाइड्रोऑक्साइड, और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, जल के साथ कराई जाती है, तो क्या बनता है, हाइड्रोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि कौन सी धातुएं कैसे रिएक्टिव होती हैं या कितनी रिएक्टिव होती हैं। तो पहली चीज़, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु है हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, ये देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, प्लेटिनम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसे याद करने का तरीका, तो बताया गया होगा क्या, बोलो, नहीं, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोल्ड
है आप, हाई कोर्ट है आपका, काशी पोटेशियम नाथ सोडियम का सी ए कैल्शियम, माली एम जी मैग्नीशियम, आलू ए एल एलमोनियम, जरा जिंक जेड एन, फी के एफ ई आयरन, पकाता पी बी, लेड है हाइड्रोजन, हाई एच जी कोर्ट सी यू आपका, ये टोटल आपका ठीक है, आपका ए जी ए यू और प्लेटिनम ठीक है। ए जी का मतलब सिल्वर, ए जी का मतलब सिल्वर, ए यू का मतलब गोल्ड और प्लेटिनम ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्रियाशीलता का, रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातुएं आपकी ऊपर हैं, जो धातुएं जितनी ज़्यादा ऊपर हैं वो उतनी अधिक क्रियाशील, वो उतनी अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो धातुएं जितनी ज़्यादा नीचे होती हैं वो उतनी कम क्रियाशील होती हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोगों ने देखा क्यों, तो इसको देखने का एक कारण है कि धातुएं जब भी जल के साथ क्रिया करती हैं क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, बट सारी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव या आपकी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या आपके मेटल्स होते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, केवल वही जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं, बाकी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है, देखो जैसे बहुत अधिक क्रियाशील, तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम और सोडियम की बात करें, पोटेशियम सोडियम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील। तो जब भी सोडियम आपका पोटेशियम और सोडियम किसके साथ, जल के साथ क्रिया करेंगे, कैसे जल के साथ, तो कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे जल के साथ, किस जल के साथ, ठंडे जल के साथ, कोल्ड वाटर के साथ ठीक है। तो जब भी पोटेशियम और हाइड्रो जल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, पहली चीज बनेगा एक हाइड्रोक्साइड, किसका, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार अगर हम सोडियम की बात करें तो ये भी क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो आपके सोडियम पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, मैंने क्या बोला कि आपका पोटेशियम और सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा सक्रिय तत्व है, क्रियाशील तत्व है, ये तुरंत वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ वाटर के साथ ये क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये जो रिएक्शन होती है, ये एक प्रकार से क्या है, कंबसन हो रहा है इसमें, योगात्मक रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट निकलती है ठीक है। तो ये जो हीट होती है, ये जो उष्मा होती है, ध्यान देना कि जब भी आपका पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बहुत ही अधिक मात्रा में क्या, उष्मा निकलती है, ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा उष्मा देता है, जिसके कारण ये आपका पोटेशियम और सोडियम क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है। बर्न क्यों होने लगता है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जैसे ही जल के साथ हमने क्या मिलाया, पोटेशियम और सोडियम को मिलाया, वैसे ही पोटेशियम और सोडियम ने तुरंत क्या किया, रिएक्शन किया, किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले क्या देखा था कि ये फ्यूल की तरह काम करता है, ये एक प्रकार से ईंधन की तरह काम करता है,
और जैसे ही इसमें अब गैस है तो ये गैस क्या होगी, मान लो हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें पोटेशियम को डाला, पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन कराई, अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये गैस क्या होगी, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी तो ये बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, और जैसे ही बाहर की तरफ आएगी तो हमारे वातावरण में जो भी ऑक्सीजन है इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और जब भी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या जुड़ेगी, तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हीट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपकी हाइड्रोजन क्या होने लगी, जलने लगेगी। जैसे ही हम पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन गैस हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या करके, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या होने लगती है, बर्न होने लगती है, जलने लगती है तुरंत। और ये जो आपका पोटेशियम, आपने जो पोटेशियम किसमें, वाटर में डाल रखा है, इस पोटेशियम के मान लो ये पोटेशियम का क्या था, टुकड़ा था, किसमें, वाटर में, ठीक है, तो जैसे ही वाटर में ये मिला, इसके आसपास या चारों तरफ क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, और ये बुलबुले इस पोटेशियम को कहाँ पर ले आते हैं, पानी की ऊपरी सतह पर ले आते हैं, कहाँ पर ले आते हैं, पानी की ऊपरी सतह पर ले आते हैं, और ये पोटेशियम क्या होने लगता है, तैरने लगता है, तैरता है पोटेशियम, जब भी आप वाटर में डालते हो तो ये ऊपरी सतह पर आकर क्या होने लगता है, तैरने लगता है, क्यों तैरने लगता है, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं ये इसको पानी के ऊपरी सतह पर ले आते हैं। दूसरा, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो ऑक्सीजन के साथ, क्या करने लगती है, बर्न होने लगती है, जलने लगती है, क्यों जलने लगती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है, ये जो आप दोनों रिएक्शंस देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें आपस में रिएक्ट करके बहुत अधिक मात्रा में क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, जिसमें कोई भी अभिकारक आपस में रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर आती है वैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ उस ऊष्मा के साथ मिलकर क्या होने लगती है, बर्न होने लगती है, जलने लगती है। यही कारण है कि हम लोग, अब सोचो पोटेशियम और सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनको मैं खुले वातावरण में यहीं पर मैं रख दूँ तो क्या वो जलने लगेंगे, हाँ जलने लगेंगे, क्यों जलने लगेंगे, जो हवा है, जो वायु है, एयर जो है, इसमें क्या है, इसमें जलवाष्प है, जल के भी कण होते हैं, जलवाष्प के रूप में नमी होती है इसमें ना, वो उस नमी के साथ रिएक्ट करके फिर से तुरंत क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे और फिर से ऊष्मा देंगे, इस कारण ये पोटेशियम और सोडियम क्या होने लगेगा, जलने लगेगा। इसी चीज़ से बचाने के लिए कभी भी पोटेशियम और सोडियम को खुले वातावरण में नहीं रखा जाता। रीज़न क्या है उसका, रीज़न ये है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और नमी को एब्जॉर्ब करके फिर से क्या देते हैं, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट या ऊष्मा निकलती है और ये पोटेशियम और सोडियम क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग इन्हें किसमें, हम लोग इन्हें अशुद्ध करके रखते हैं। अशुद्ध करके कैसे रखा जाता है, तो इन्हें केरोसिन में, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसी में इनको क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। कभी इनको खुले वातावरण में या वायु के संपर्क में नहीं रखा जाता, इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके एलिमेंट्स होते हैं या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये तुरंत एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ क्या करने लगेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके तुरंत क्या बहुत अधिक मात्रा में हीट देंगे या जलने लगेंगे। इसी से बचाने के लिए हम लोग इनको केरोसिन में डूबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में जब ये डूबे रहते हैं तो आपके वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाते। क्लियर है इतनी बात, चलिए। तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है, ठीक है। इसमें आपका जो पोटेशियम और सोडियम होता है वो वाटर के सरफेस पर या पानी की सतह पर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, और इसके साथ ये बर्न भी करते हैं।
क्यों बर्न करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उष्मा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलना प्रारंभ कर देती है। क्लियर है? चलिए अब अगली अगर हम लोग बात करें तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? ये कोल्ड वाटर के साथ ना, ठंडे जल के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अगर हम बात करें क्या ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाँ ऑब्वियसली गर्म जल के साथ। जो कोल्ड के साथ करेगा वो गर्म के साथ, लेकिन ये कोल्ड के साथ ही इतनी तेज रिएक्शन देते हैं, ये वायु के साथ ही देते हैं, तो हमें गर्म जल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये तो हो गई पोटेशियम और सोडियम की बात, अब क्या बचा? कैल्शियम। अगर मान लो हमने कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम क्या करेगा? जल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब वाटर में क्या होते हैं? इन तीनों के हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मैंने बताया था। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड वाटर में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक ये बना, दूसरा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें देखो कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से क्या है? कम रिएक्टिव है, क्योंकि नीचे है, जो जितना सीरीज में नीचे है उसकी रिएक्टिविटी या उसकी क्रियाशीलता उतनी कम होती है। तो अगर ये सीरीज में नीचे है तो इसका मतलब पोटेशियम और सोडियम से इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये भी करेगा कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी बनाता है, लेकिन इसमें जो ऊष्मा निकलती है उसकी मात्रा क्या होती है? इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। मतलब कैल्शियम आपका कभी भी बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस वजह से आपका कैल्शियम भी जैसे ही आप जल में डालोगे उसके चारों तरफ भी क्या होगा? उसके चारों तरफ भी हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले चिपक जाएंगे और वो उस कैल्शियम को कहाँ पर ले आएंगे? पानी की सतह पर ले आएंगे। मतलब ये भी पानी की सतह पर तैरेगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सारी चीज़ें करेगा, ये भी ऊष्मा देगा, लेकिन ये कभी बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें निकलने वाली ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी? वो बहुत कम होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये तीन जो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब अगली बात कर लें, ये तो हो गए आपके मोस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनकी बात कर लें, अल्मोनियम, जिंक और आयरन, इन तीनों की हो गई ना, पोटेशियम की होगी, इसकी होगी, मैग्नीशियम अभी देखते हैं हम लोग, क्यों देखते हैं उसका भी रीज़न है। अब मान लो मैं कहता एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब एक बात ध्यान रखना कि सारी की सारी धातुएं हमें हाइड्रोक्साइड्स नहीं देती हैं। जो बहुत ज़्यादा का मतलब अधिक क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी देता है, नहीं भी देता है, देता भी है, ये देखेंगे अभी। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। बट जो आपके, इनको बोलते हैं अत्यधिक क्रियाशील, इनको बोलते हैं मध्यम क्रियाशील। ये जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये जब भी जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3, ये क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 भी बनाता है, FeO भी बनाता है। ठीक है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड दोनों बनाता है।
दूसरा इसके साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, इसमें भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और इसमें भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब सभी क्या देते हैं, सभी मेटल्स या सभी धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। हाइड्रोक्साइड कौन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड केवल मोस्ट रिएक्टिव आपके जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं, और जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, तो ये ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षार की तरह क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इसी में आपके कुछ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो ना। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस देती हैं, और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं, हाइड्रोजन गैस सब देते हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, अब बात आती है मैग्नीशियम की कर लेते हैं, किसकी, मैग्नीशियम की कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हम भूल गए यहाँ पे बताना आप लोगों को, एल्युमिनियम आपका जब भी किसके साथ, वाटर के साथ। अब देखो ये जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे एल्युमिनियम जिंक और आयरन, ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ध्यान देना, ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं जल वाष्प या स्टीम के साथ, किसके साथ, जल वाष्प, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जल वाष्प। तो जो अभी आप कोल्ड वाटर ले रहे थे वो कोल्ड वाटर हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, जल वाष्प लेना है। बात समझ पा रहे हो, मान लो लोहा, आपने क्या किया, आयरन, लोहा लिया, लोहे को आप रख देते हो कहाँ पर, ऐसे खुले में रख देते हो, तो क्या उस पर पानी डालोगे तो जंग लग जाएगी, नहीं, वो जब भी किसके साथ, जो आपका वेपर है, जो आपका स्टीम है, जो आपके वायु में मिली हुई वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, जो बाद में जंग वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके होते हैं, क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो, तो जो आयरन होता है या जो एल्युमिनियम होता है, जो जिंक होता है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, वो केवल और केवल जल वाष्प या स्टीम के साथ अभिक्रिया करती हैं, और किसी में यह अभिक्रिया नहीं दिखाएंगी। अगर मान लो यहाँ कोल्ड वाटर लिखा होता तो कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ हीट हॉट वाटर लिखा होता तो कोई रिएक्शन नहीं होती, जब तक स्टीम नहीं लिखा होगा, जल वाष्प नहीं लिखा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का, बचा था मैग्नीशियम, हमने क्यों कहा इसको अलग पढ़ेंगे, तो देखो ऊपर की जो धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, किसके साथ, ये कर रही हैं ठंडे जल के साथ। जो नीचे की हैं ये कर रही हैं जल वाष्प के साथ, और ये जो मैग्नीशियम होता है ये हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ, किसके साथ, गर्म जल के साथ। और जब भी ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जब भी ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दो रिएक्शन दी गई हैं मैग्नीशियम की। पहली रिएक्शन तो ये बताती है कि मैग्नीशियम आपका गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, और दूसरी रिएक्शन में ये भी बताया गया है कि मैग्नीशियम आपका गर्म जल के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो दोनों आपकी क्या हैं, सही हैं, जैसे ये क्लियर ही नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देता है गर्म जल के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देता है, तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि एक्चुअल में कौन से रिएक्शन देगा। क्लियर है, तो दोनों रिएक्शन देता है किसके साथ, गर्म जल के साथ। तो
ये तीनों ठंडे जल के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। इनकी बात करें तो ये ठंडे जल के साथ करता है, हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है। इनकी बात करें जल वाष्प की तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो कम क्रियाशील या अक्रिय तत्व होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये जो कम क्रियाशील या अक्रिय तत्व होते हैं, ये ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। यही छह सात आपके देखते हैं। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब जो अगला रासायनिक गुण है वो है, अच्छा इसको अभी नहीं मिटा, अभी इसका काम हमें करेंगे। अगले रासायनिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो देखो, धातुएं आपकी किसके साथ, अगर मैं धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराऊं, तो आप लोगों ने अम्ल और क्षार अभिक्रिया में देखा था ना कि जब भी कोई धातु किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। बहुत अच्छा। किस किस अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं? तो किस किस अम्ल के साथ आपकी धातुएं अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं? तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जो भी आपके खनिज अम्ल होते हैं जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे S3PO4। क्लियर है इतनी बात? ये सभी क्या करते हैं? ये सभी धातुओं के साथ, किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं यही कहता HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है? एसिड और बेस में मैंने बताया था कि HNO3 क्या होता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और जब भी ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल नहीं देता है, लवण देता है और क्या देता है? जल देता है। ऑक्सीकारक एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीकारक एजेंट वे एजेंट होते हैं जो किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन को ऐड कराने का काम करते हैं। देखेंगे अभी इसके बारे में। चलो इनको देख लेते हैं। H+, 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 है ना? सॉल्ट पहले सबका बना देते हैं तो बनेगा Na2SO4। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये वहाँ यहाँ क्या बनेगा? अल्मोनियम फास्फेट Al2PO4 का होल गैस। क्लियर है? ये हो गया। दूसरा क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्या बना? हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या बना? हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी बात? अब HNO3 अगर मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देता, मान लो मैंने सोडियम के साथ इसको करा दी, तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या बनेगी? यहाँ पर बनेगा NaNO3 पर सिंगल माइनस और सोडियम पर सिंगल प्लस, और यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। नहीं, अब ये क्या है? ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही आप HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? सोडियम या किसी अन्य धातु के साथ कराएंगे, तो हाइड्रोजन गैस में ये क्या कर देगा? ऑक्सीजन को जोड़ देगा और हाइड्रोजन गैस किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। तो
नाइट्रिक एसिड आपके धातुओं के साथ क्रिया करके कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्या देता है? वाटर देता है, जल देता है। क्लियर है ये बात? चलिए, बात आती है कि आपके बुक में दिया गया है, जब आप पढ़ोगे सही से बुक तो उसमें आप देखोगे कि बताया गया है कि HNO3 दो धातुओं के साथ पहला मैग्नीशियम और दूसरा मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्या करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन कब? तब जब HNO3 की परसेंटेज क्या हो? लगभग 1% हो। मतलब HNO3 बहुत ही तनु हो। 99% क्या हो? 99% वाटर हो, और 1% क्या हो? आपका HNO3 बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही तनु अम्ल हो, बहुत ही पतला हल्का अम्ल। और जब ऐसा होता है तो ये दो धातुओं के साथ रिएक्शन देता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, और क्या बनाता है? सॉल्ट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस कंडीशन में ये क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। कब? जब ये बहुत ही पतला है। HNO3 की मात्रा कितनी हो? 1%, और वाटर की मात्रा कितनी हो? 99, बहुत पतला हो गया ना, 99% वाटर और 1% क्या? HNO3। तो इतना पतला जब होगा तो ये क्या देंगे? ये देंगे हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपका धातु, अगर धातु के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब धातु धातु के सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऐसे थोड़ा सा सोचो, धातु धातु के सॉल्ट, जैसे NaCl धातु का सॉल्ट हो गया ना, सोडियम क्लोराइड, और मैंने कहा धातु रिएक्ट करें तो अब क्या होगा? तो आप जानते हैं इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? विस्थापन अभिक्रिया। जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देगा। तो पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील, ये इसके यौगिक से इसको हटाएगा, क्या बनेगा? KCl प्लस Na। क्लियर? तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। चलो।